हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, गर्मियों का टाइम आ चुका है और लगभग हर गाड़ी में आप लोगों ने भी और मैंने भी गाड़ी में अपनी कर दिया है एसी को चालू। तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मियां आते ही ना अपनी गाड़ी के एसी को वैसे ही चलाने लग जाते हैं विदाउट सर्विस करवाए। तो जैसे हम घर की के एसी की सर्विस करवाते हैं ना, इसी तरीके से इम्पोर्टेंट होता है गाड़ी के एसी की भी सर्विस करवाना। तो आज मैं करवाने वाला हूँ अपनी गाड़ी के एसी की सर्विस। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिल्टर साफ होता है, कंडेंसर साफ होता है, गैस अगर टॉप अप करने की ज़रूरत है तो वो करेंगे हम। तो करवाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या कुछ होता है, और जिससे भी आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एसी की सर्विस करवाने में। तो बने रहे वीडियो में, करते हैं वीडियो को शुरू। तो भाई, सबसे पहले बारी आती है हमारे एसी के एयर फिल्टर की। एयर फिल्टर आप सबको पता होगा ग्लव बॉक्स के नीचे होता है। ये इसका कवर है, इसको पुश करके बाहर निकालेंगे। तो ये सामने वाइट कलर का जो दिख रहा है ना, ये है हमारा फिल्टर। तो इस फिल्टर को नॉर्मली ऐसे खींच के हम बाहर निकाल सकते हैं, गत्ते टाइप का ये होता है। तो इसकी कंडीशन आप सबसे पहले देख लेना, अगर कंडीशन ठीक है तो इसी फिल्टर को आप साफ करके लगा सकते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं, 200 से 300 रुपए का आएगा। तो आप कंडीशन के ऊपर डिपेंड है आपकी फ़िल्टर की। अगर ठीक है तो ये लगवा लेना, नहीं तो इसको झाड़ पहुँच के साफ़ करके वापस इसको एज इट इज़ फिट कर देना और आपका काम एज इट इज़ चलता रहेगा। उसके बाद बारी आती है हमारे कंडेंसर की। कंडेंसर को साफ़ करने के लिए हमें थोड़ा सा बम्पर ऐसे खोलना पड़ता है, और उसके बाद ये ना केमिकल आता है एक कॉयल क्लीनर या कंडेंसर क्लीनिंग का, ये मतलब लिक्विड सा आता है। तो इस लिक्विड में ना मतलब 200 ml के आसपास लिक्विड एक कंडेंसर को साफ़ करने में यूज़ होता है। 200 ml लिक्विड में आप अपना पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये कॉयल वॉशर है, होता है कंडेंसर क्लीनिंग। तो इसमें आप पानी डाल के अपने कंडेंसर को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले इसको एक बोतल में छेद करके अपने कंडेंसर पे मार दें और पूरा उसको गीला कर दें। फिर थोड़ा सा झाग बन के निकलने लग जाएगा और 5-7 मिनट के बाद मतलब इसको आप वॉश कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे झाग झाग से बन जाएंगे ना, ये अभी थोड़े से ऐसे बने हैं, थोड़ी देर बाद और ज़्यादा बन जाएंगे। तो उसके बाद आप इसको पानी से वॉश कर सकते हैं। और पानी का प्रेशर ना बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, जैसे एक वो गन वाली जो मशीन आती है ना प्रेशर वाली, उस वाली प्रेशर मशीन से ना करें, क्योंकि आपके कंडेंसर के जो ये जो ब्लेड से होते हैं ना, पत्तियां सी जो होती हैं, ये मुड़ने का खतरा रहेगा। तो नॉर्मल आप अपना जो टूटी में जो पाइप लगाते हैं ना, उस वाले पाइप से अपना साफ कर सकते हैं इसको। ठीक ठाक नॉर्मल प्रेशर होता है जिससे गंदगी अपना निकल जाती है। आधा काम तो वो लिक्विड ही कर देगा जो अपना केमिकल आता है, क्योंकि वो सारे अपना मिट्टी को गला के झाग बना के बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद आप अपना नॉर्मल पानी से अगर इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के अगर साफ़ कर देंगे ना, तो आपके कंडेंसर की सारी ही मिट्टी बाहर निकल जाएगी और आपका कंडेंसर ना एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम चमकने लग जाएगा। तो भाई, अब बारी आ गई है गैस टॉप अप करने की। गैस चेक करी थी तो थोड़ा सा इसमें कम निकली, तो मैंने बोल ही दिया, मैं कहा यार इतना काम हो रहा है तो साथ में क्यों ना गैस भी टॉप अप इसकी करवा ही लें, क्योंकि ये काम ना रोज़ रोज़ तो होते हैं नहीं। अब एक साल में एक बार हम अपना एसी की सर्विस करवाते हैं, अगर गैस उसमें कम है तो क्यों ना टॉप अप करवा ही जाए। बहुत ज़्यादा कोई इसमें खर्चा आता नहीं है। ये टोटल जितना भी काम है ना, अपना कंडेंसर क्लीनिंग से लेके फिल्टर क्लीनिंग और ये गैस टॉप अप, अगर आप मार्केट में भी करवाएंगे ना, तो मार्केट में भी ये लगा लो आपका 800-1000 या हद मार के 1200 रुपये में काम हो जाएगा। तो मेरी तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी थी तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया, बाकी आप 1000 रुपये एक बार मान के चलो। तो एक सीज़न में अगर आपका एसी सर्विस का और पूरा कंप्लीट काम होने का अगर 1000 रुपये चार्ज अगर लगता है, तो मुझे नहीं लगता वो आपका बहुत ज़्यादा कोई महंगा है। तो आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर ध्यान रखें, ताकि आगे आपके कंडेंसर पे लोड ना पड़े और कूलिंग कॉइल पे भी लोड ना पड़े। मान लीजिए आप गैस टॉप अप नहीं करवाते हैं, आपकी गैस कम रहती है, तो कंडेंसर भी ज़्यादा लोड उठाएगा, कूलिंग कॉइल पे भी ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा आगे चल के इन चीज़ों में दिक्कत आए।
तो इससे बेटर है आप अपना गैस भी टाइम टू टाइम चेक करवाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको टॉपअप भी करवा लें, जिससे कि आपकी गाड़ी और आपकी गाड़ी का एसी लॉन्ग टाइम तक बढ़िया चलेगा और किसी भी तरह की उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार बंद करो गेट, बंद तो करो एक बार गेट अंदर बैठ के। अब बताओ क्या प्रोसीजर होता है इसमें गैस डालने का और सर्विसिंग का? सर्विसिंग का मतलब ये होता है जैसे कंडेंसर वगैरह चोक हो गया। अच्छा। इससे हमारा हेड बढ़ना शुरू हो जाता है, एचपी होता है इसके अंदर, एक एचपी स्विच लगा होता है। हेड बढ़ेगा, लिक्विड बढ़ेगा, तो लिक्विड बढ़ने से इसके कंप्रेसर के ऊपर जोर आना शुरू हो जाता है, तो कूलिंग आपकी घटनी शुरू हो जाएगी। जैसे कूलिंग ये कम हो रही थी थोड़ी, कूलिंग इसमें वो उसी वजह से हो रहा था, उसी वजह से। अब कंडेंसर रेडिएटर सर्विस हो गया इसका, अंदर से फिल्टर साफ था इसका, अब ये पूरा खुल गया। अब जितनी उसने गैस चाहिए वो गैस ले लेगी गाड़ी, आपकी कूलिंग फिर वही पहले जैसी हो जाएगी। तो ये प्रेशर वगैरह कुछ होता है इसमें कि भाई कितना होना चाहिए? इसमें कंप्रेसर की एफिशिएंसी के ऊपर रहता है सारा कुछ। अच्छा, पर्टिकुलर कुछ नहीं होता कि भाई इतने, कुछ नहीं होता इसके अंदर, इतने लेवल पे रहना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है? एग्जैक्ट कुछ नहीं होता इसमें, वही चलता 30, 35, 40। इस मौसम के ऊपर धूप में 40 आ जाएगा, ज्यादा 37 आ जाएगा। अगर कंप्रेसर वीक होगा तो यही प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, 40 से 45 हो जाएगा, 45 से 50 हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जितने भी उसको गैस चाहिए वो ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेगा। चलो, गर्मी में ना जैसे थोड़ा दोपहर के टाइम पे होता था ना, ऐसा लगता है यहाँ हाथ लगाते थे जब, तो लगता था थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन अंदर गाड़ी ना पूरी गर्म रहती थी एकदम। देखो एक्चुअली होता क्या है, गर्मी के अंदर शीशे भी गर्म हो गए, आपकी छत भी गर्म हो गई, गाड़ी पूरी गर्म होती थी, उससे अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता था, फिर आगे से कंडेंसर चोक है इसका, जोर तो सारा कंप्रेसर के ऊपर आ रहा है ना, तो ये गंदगी की वजह से होता है ना कंडेंसर। तो नॉर्मली वैसे कितने टाइम में करवा लेनी चाहिए सर्विस ये गाड़ी आपके चलने के ऊपर? चलने के ऊपर वैसे तो दिल्ली के अंदर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो सीजन के सीजन सर्विस होनी चाहिए, हर जैसे गर्मियाँ आती हैं मार्च में अप्रैल में ये सर्विस हो जानी। अच्छा, फिर उसके बाद अपनी पूरी गर्मी आराम से चला लो, फिर सर्दियों में बेशक ना करवाओ, अगली गर्मी जब दोबारा आए फिर दोबारा करवा लो। चलो, और कितनी देर लगती है इसमें सर्विसिंग में? एक घंटा भी लग जाता है, डेढ़ भी लग जाता है कई बार इतने गंदे आते हैं कंडेंसर रेडिएटर जिनमें 3-3 बार साफ करना पड़ता है उनको। अच्छा, तो नॉर्मली नॉर्मल जो कंडेंसर होता है उसको एक ही बार ही करते हैं? एक ही बार ही करते हैं, ये सारा केमिकली वॉश करते हैं, पानी से तो साफ भी नहीं होता ये। तो अभी इसको देख लेना, दोबारा वॉश करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, गाड़ी अभी चली कितनी है? गाड़ी ये चली है 23,000 के आसपास चली होगी, 23,998। दिक्कत नहीं, बस ऐसा हो जाए भाई गाड़ी में बैठते ही ना एकदम चिल्ड हो जाए। दूसरे बंदे भी, अभी ना हम बालाजी ट्रिप पे गए थे, 5 बंदे थे, पीछे 3 बंदे बैठे ना, तीनों बंदे पसीने पसीने हो गए, कह रहे भाई एसी काम नहीं कर रहे हैं। मैं चलो यार इसकी भी सर्विस करवा ही लें, क्योंकि 3 साल होने वाले हैं गाड़ी को, 3 साल से अभी तक मैंने एसी की सर्विस नहीं करवाई थी। देखी थी आपने? वो 7 साल बाद सर्विस हुई। 7 साल से एसी का सर्विस नहीं हुई? नहीं। अच्छा जी, इतने लॉन्ग टाइम तक भी करवा दे हमने। इन्होंने कहते हैं यार मेरे को पता ही नहीं था एसी की सर्विस भी होती है, लेकिन जब मैंने सर्विस करी ना उसकी, इतना कचरा निकला ना उसमें जिसका कोई था। तो कूलिंग हो रही थी उसमें गाड़ी में पहले? मरी हुई, कूलर चल रहा था। अच्छा। अब उनको ये लग गया कि भाई कूलिंग नहीं है, तो मैं उसी चक्कर में मैंने कहा जब सर्विस करा लो। चलो, तो भाई गाड़ियों के एसी को ना एसी रहने दो, कूलर मत बनाओ, और टाइम पे अपनी सर्विस करवाते रहो, हर सीजन पे अपना एक बार सर्विस करवा लो, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, अपना गाड़ी भी ठीक रहेगी, अपना आगे का भी सबको सिस्टम बढ़िया रहेगा।